इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय चार। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय चार। यहूदा के पुत्र पेरेस, हेस्त्रोन, कर्मी, हूर और शोबाल, और शोबाल के पुत्र रायाह से यहत, और यहत से अहुमय और लहद उत्पन्न हुए। ये सोराई कुल है, और एताम के पिता के ये पुत्र हुए, अर्थात इज्रेल, इश्मा और इद्वाश, जिनकी बहन का नाम हसलेल पोनी था, और गदोर का पिता पनुएल और रूशा का पिता एजेर। ये एप्राता के जेठे हूर के संतान हैं, जो बेथलहम का पिता हुआ, और तको के पिता अशहूर के हेबा और नारा नाम दो स्त्रियां थी, और नारा से अहुजाम, हेपेर, तेमनी और हाहश्तारी उत्पन्न हुए। नारा के ये ही पुत्र हुए, और हेला के पुत्र सेरेत, इसहर और एतनान। फिर कोस से आनूब और सोबेबा उत्पन्न हुए, और उसके वंश में हारून के पुत्र अहर खेल के कुल भी उत्पन्न हुए, और याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। और याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। फिर शुहा के भाई कलूब से एश्तोन का पिता महीर उत्पन्न हुआ, और एश्तोन के वंश में रामा का घराना और पासेह और इरनाहाश का पिता तहिन्ना उत्पन्न हुए। रेका के लोग यही है, और कनच के पुत्र ओतनियल और सरायाह, और ओतनियल का पुत्र हतत। मोनोतय से ओप्रा और सरायाह से योआब, जो गहराशिम का पिता हुआ, वे कारीगर थे। और यपुन्ने के पुत्र कालेब के पुत्र एला और नाम, और एला के पुत्र कनज, और यहल्लेल के पुत्र जीप, जीपा, तिरया और असरेल, और एजरा के पुत्र एरेत, मेरेद, एपेर, यालोन और उसकी स्त्री से मिरियाम, शम्मय और एश्तमो का पिता इश्बह उत्पन्न हुआ, और उसकी यहूदीन स्त्री से गदोर का पिता एरेद, सोको के पिता हेबेर और जानोह के पिता यकुतियेल उत्पन्न हुए। ये फिरोन की बेटी बित्या के पुत्र थे, जिसे मेरेद ने ब्याह लिया था, और होदिया की स्त्री जो नहम की बहन थी उसके पुत्र कीला का पिता एक गेरेमी, और एश्तमो का पिता एक माकाई, और शिमोन के पुत्र अम्मोन, रिन्ना, बेन्धानान और तोलन, और ईशी के पुत्र जोहेत और बेनजोहेत। यहूदा के पुत्र शेला के पुत्र लेका का पिता एर, मारेशा का पिता लादा, और अश्पे के घराने के कुल जिसमें सन के कपड़े का काम होता था, और योकिम और कोरजबा के मनुष्य, और योआश और साराप जो मोआब में प्रभुता करते थे, और याशुब, लेहम, इनका वृत्तांत प्राचीन है। ये कुम्हार थे, और नताइम और गदेरा में रहते थे, जहां वे राजा का कामकाज करते हुए उसके पास रहते थे। शिमोन की वंशावली। शिमोन के पुत्र नमुएल, यामिन, यारिब, जेरह और शाउल, और शाउल का पुत्र शल्लुम, शल्लुम का पुत्र मिबसाम, और मिबसाम का मिश्मा हुआ, और मिश्मा का पुत्र हमुएल, उसका पुत्र जक्कूर और उसका पुत्र शिमी। शिमी के 16 बेटे और 6 बेटियां हुई, परंतु उसके भाइयों के बहुत बेटे न हुए, और उनका सारा कुल यहूदियों के बराबर न बढ़ा। वे बेरशबा, मोलादा,
हसरशुआल, बिल्हा, एसम, तोलाद, बतुएल, होरमा, सिकलग, बेत मरकाबोत, हसर सुमसिम, बेतबीरी और शारेम में बस गए। दाऊद के राज्य के समय तक उनके यही नगर रहे और उनके गांव एताम, एन, रिमोन, तोकेन और आशान नाम पांच नगर थे और बाल तक जितने गांव इन नगरों के आसपास थे उनके बसने के स्थान यही थे और यह उनकी वंशावली है। फिर मशोबाब और यमलेक और अमस्याह का पुत्र योशा और योएल और योशिब्याह का पुत्र एहू जो सरायाह का पोता और असियल का परपोता था और एल्योएने और याकोबा यशोहायाह और असायाह और अदियल और यसिमीएल और बनायाह और शिमी का पुत्र जीजा जो अल्लोन का पुत्र यह यदादाह का पुत्र यह शिमी का पुत्र यह शमायाह का पुत्र था। ये जिनके नाम लिखे हुए हैं अपने अपने कुल में प्रधान थे और उनके पितरों के घराने बहुत बढ़ गए। ये अपनी भेड़ बकरियों के लिए चराई ढूंढने को गदोर की घाटी की तराई की पूर्व ओर तक गए और उनको उत्तर में उत्तम चराई मिली और देश लंबा चौड़ा चैन और शांति का था क्योंकि वहां के पहले रहने वाले हाम के वंश के थे। और जिनके नाम ऊपर लिखे हैं उन्होंने यहूदा के राजा हिजकिय्याह के दिनों में वहां आकर जो लोग वहां मिले उनको डेरों समेत मारकर ऐसा सत्यानाश कर डाला कि आज तक उनका पता नहीं और वे उनके स्थान में रहने लगे क्योंकि वहां उनकी भेड़ बकरियों के लिए चराई थी। और उनमें से अर्थात शिमोनियों में से 500 पुरुष अपने ऊपर पलत्याह, नारियाह, रपायाह और उज्जियल नाम ईशी के पुत्रों को अपने प्रधान ठहराया। तब वे सेईद पहाड़ को गए और जो अमालेकी बचकर रह गए थे उनको मारा और आज के दिन तक वहां रहते हैं।